धौलपुर राजाखेड़ा बाईपास के पास सदर थाना क्षेत्र में एक मिनी ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। मिनी ट्रक की टक्कर से टेम्पो में सवार दो महिला सहित चार लोग घायल हो गए, जिनमें से एक मासूम को इलाज के लिए रेफर किया गया है, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि एक टेम्पो पहाड़ी मरैना से सवारियों को लेकर धौलपुर के लिए निकला था। जिस टेम्पो में दो महिलाओं सहित चार लोग मौजूद थे, सदर थाना क्षेत्र में तगावली मोड़ पर टेम्पो के पहुंचते ही सामने से आ रहे मिनी ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी, जिस हादसे में टेम्पो सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ से मासूम सोमेश 12 वर्ष पुत्र मनोज निवासी लुहारी की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया, जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल हुई महिला बबीता पत्नी दिनेश और शिवानी पत्नी गौरी शंकर निवासी पहाड़ी के साथ टेम्पो चालक आकाश पुत्र प्रेम सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। क्या नाम है आपका? आप टेम्पो में सवार थी? कहाँ से कहाँ आ रही थी? पहाड़ी से आ रही थी। कितने जने थे सवार टेम्पो में? पांच ही घायल थे। अच्छा, कहाँ पे हुई है घटना? उबेर उसी से तगावली के पास।